हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू थ्री सिक्सटी ज्ञान दोस्तों आई हमेशा आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि आपकी फाइनली सीबीएसई बोर्ड की टेंथ और ट्वेल्थ क्लास के कंपार्टमेंट एग्जाम की डेट कब तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा और फाइनली जो डिसीजन है कि वे कब तक आ जाएगा कि आपके एग्जाम होंगे या नहीं होंगे उस संबंध में दोस्तों एक छोटा सा अपडेट लेकर आया हूं तो वीडियो को पूरा देखें आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल थ्री सिक्सटी गन पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एंड बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें जिससे आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके फाइनली दोस्तों आपके सी बोर्ड का टेंथ और ट्वेल्थ क्लास का रिजल्ट काफ़ी बढ़िया रहा है पर दोस्तों बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको यहाँ पर एक या दो या तीन या

इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं दोस्तों इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है वहाँ से आप क्लिक करके मेरे को फाइनली फॉलो कर सकते हैं तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं कि फाइनली आपके सी बी एस ई बोर्ड के कंपार्टमेंट एग्जाम की डेट कब तक डिक्लेयर कर दी जाएगी तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ने नवभारत टाइम्स का दोस्तों अपडेट काफी ज्यादा ट्रस्टेड वेबसाइट जिसमें कहा गया है कि सी बी एस ई कम्पार्टमेंट एग्जाम डेट जाने क, जाने कब तक आएगा कंपार्टमेंट एग्जाम का शेड्यूल तो दोस्तों अब इस ख़बर को मैं विस्तार से बता देता हूँ इसमें कहा गया है कि इस साल सी बी एस ई को दसवीं और बारहवीं का रिजल्ट जारी करने के लिए एक वैकल्पिक मूलांकन प्रणाली अपनानी पड़ी इस वजह से इसकी वजह से कोरोना वायरस महामारी के कारण परीक्षा को रद्द होना था लॉकडाउन के बीच छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होने के बाद इस साल का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा वही कई छात्र परीक्षा में सफल नहीं हो पाए ऐसे छात्रों को कंपार्टमेंट एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा आमतौर पर हर साल जुलाई के पहले हफ्ते में कंपार्टमेंट एग्जाम का आयोजन होता था लेकिन इस साल संभव नहीं है इस साल पंद्रह जुलाई को सीबीएसई दसवीं का रिजल्ट जारी हो पाया है ऐसे में कंपार्टमेंट एग्जाम का आयोजन अभी संभव नहीं है बोर्ड की ओर से जानकारी मिली है कि परीक्षा के शेड्यूल के साथ साथ इसके मोड के बारे में भी पंद्रह अगस्त तक ऐलान किया जाएगा इसमें आगे कहा गया कि एजुकेशन टाइम्स को सीबीएसई के एक अधिकारी ने बताया है कि हर साल कंपार्टमेंट एग्जाम का आयोजन जुलाई के पहले हफ्ते में होता है लेकिन इस साल कोरोना वायरस महामारी के कारण शैक्षणिक साइडड्यूल बाधित हो गया है कंपार्टमेंट एग्जाम के मोड और शेड्यूल को लेकर चर्चा चल रही है इस बारे में 15 अगस्त तक घोषणा की जाएगी तो फाइनली दोस्तों आपकी जो सीबीएसई बोर्ड के टेंथ और ट्वेल्थ क्लास के कंपार्टमेंट एग्जाम की डेटे भी यहां पर 15 अगस्त तक दोस्तों यहां पर डिक्लेअर कर दी जाएगी दोस्तों देखिए आपको इतना कन्फर्मली इतना क्यों बता रहा हूँ दोस्तों देखिए अभी इसमें समय लगने वाला है हंड्रेड परसेंट पंद्रह अगस्त तक का समय लग सकता है क्योंकि देखिए सी बी एस सी बोर्ड की ओर से भी एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिस्कस करने के बाद ही यहाँ पर कोई डे दे, डेट डिसाइड करेगी कि आपके कंपार्टमेंट एग्जाम होंगे या नहीं होंगे तो दोस्तों इसमें समय लगने वाला है पंद्रह अगस्त तक दोस्तों यहाँ पर सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपके सी बी एस सी बोर्ड के कंपार्टमेंट एग्जाम होंगे या नहीं होंगे सारी कुछ बातें दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी दोस्तों देखिए यार हम सभी चाहते हैं कि इस साल कोरोना वायरस के चलते आपके पार्टमेंट एग्जाम ना हो जो भी स्टूडेंट को यहां पर फेल किया गया है जिनको कंपार्टमेंट दी गई है उनको यहां पर दोस्तों ग्रेस मार्क्स और एवरेज पासिंग मार्क्स देकर मिनिमम पासिंग मार्क्स देकर पास कर दिया जाए तो दोस्तों इसके लिए हम एक यहां पर अभियान चला रहे हैं जिसकी लिंक दोस्तों मैंने ट्विटर अकाउंट की जो मेरी लिंक है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है वहां से दोस्तों आप जो मेरी जो भी मैं ट्वीट कर रहा हूं आप उसको रिट्वीट करते रहिए और दोस्तों मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें जिससे आपको मेरा जैसे ही कुछ लेटेस्ट अपडेट आए वहां पर दोस्तों आपको मिल जाए और जो भी डाउट्स है दोस्तों आप मेरे को इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो दोस्तों मैंने जो ट्विटर अकाउंट की लिंक है उसकी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी जहां से मैं जो भी ट्वीट दोस्तों आप उसको फाइनली रीट्वीट करते रहिए और अपनी जो भी बातें हैं दोस्तों सीबीएससी बोर्ड तक हमको पहुंचाना है और आपका जो फाइनली सीबीएससी बोर्ड के टेंथ और ट्वेल्थ एग्जाम दोस्तों उनको हमको कैंसिल कराना है हमारी दोस्तों पर पूरी तरीके से कोशिश रहेगी कि यार आपके कंपार्टमेंट एग्जाम इस बार कैंसिल कर दिए जाए क्योंकि दोस्तों काफी ज्यादा स्टूडेंट परेशान हो जाएंगे क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो अपने घर वापस चले गए जिनका स्कूल दूसरे स्टेट में था और वो दूसरे स्टेट से आए थे तो दोस्तों काफी ज्यादा दिक्कतें होंगी कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं करीबन दस लाख के आसपास दोस्तों कोरोना के केस अभी तक इंडिया में निकल चुके हैं इसलिए दोस्तों काफी चिंता का विषय है इसलिए दोस्तों हम चाहते हैं कि यार आप सभी के कंपार्टमेंट एग्जाम को कैंसिल कर दे सीबीएसई बोर्ड तो फाइनली दोस्तों अब देखना होगा कि पंद्रह अगस्त तक सीबीएसई बोर्ड क्या डिसीजन लेता है जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा तो मैं अपने चैनल पर बता दूंगा तो आप मेरे चैनल पर जुड़ जाइए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतनी ही कुछ जानकारी थी आई होप दोस्तों मेरी यह जानकारी आपको पसंद आई है जानकारी पसंद आई है वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जय हिंद जय भारत